हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविज पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर ट्रेजर ऑफ स्टोरीज़ के तहत, जो हमारी स्टोरीज़ की सीरीज़ है, उसके तहत एक नई स्टोरी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है न्यूटन एंड हिज डॉग, न्यूटन और उसका कुत्ता। हाँ फ्रेंड्स और लर्नर्स, आपने न्यूटन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जो कि बहुत सारे आपने देखा होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था, ग्रेविटी के जो नियम का मैंने दिए हमारे इस विश्व को, फिर मोशन के विषय में, फिर कैलकुलस के विषय में, तो दैट इज़ एंडलेस। उनका जो योगदान है हमारे, मतलब इस संसार को बोलिए, इस पृथ्वी को बोलिए, उन्होंने मतलब विज्ञान गणित की परिभाषा ही बदल कर रख दी। तो वैसे न्यूटन शख्स के बारे में तो हम लोग सभी को ही जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं उनकी एक क्वालिटी कि क्या खास बात है जो न्यूटन को न्यूटन बनाती है। ठीक है, हर मैंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी लोगों में होते हैं। कोई ड्राइंग में अच्छा होता है, कोई पेंटिंग में अच्छा होता है, मैंने हर की कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। तो नो डाउट न्यूटन सर की तो क्वालिटी है ही, लेकिन फिर भी एक उनका एक स्पेशल कैरेक्टर, एक उनका स्पेशल गुण के बारे में आज हम लोग जानेंगे, और वो भी उनके डॉग के माध्यम से। शायद आप लोगों को पता भी ना हो कि न्यूटन महोदय एक डॉगी भी, एक पेट डॉग भी रखते हों। ठीक है, और उस डॉगी और न्यूटन सर से रिलेटेड एक छोटे से वृतांत के सहारे हम लोग इस कहानी में एक मोरल को भी देखेंगे। ओके, तो कम टू द स्टोरी, न्यूटन एंड हिज डॉग। समझ लीजिए, यही मैंने बनाने की कोशिश की है, यही डॉग। मैंने तो देखा नहीं था उनके डॉगी को, लेकिन मान लीजिए यही है उनका डॉग। ठीक है, और इनका नाम था इनके डॉगी का डायमंड। ठीक है, क्या नाम था इनके डॉगी का? डायमंड नाम था। ओके, नाम कितना है, डायमंड न्यूटन सर का डॉगी है तो भाई नाम भी वैसा ही होगा, डायमंड। ठीक है, हीरा। तो न्यूटन एंड हिज डॉग, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन के बारे में तो हम लोग सभी को जान ही रहे हैं कि वो कितने महान साइंटिस्ट थे, जो ग्रेविटी से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड, ठीक है, कैलकुलस से रिलेटेड, और भी पता नहीं कितने एंडलेस उन्होंने थ्योरीज दिए, इन्वेंशन किए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग मैथ में, साइंस में डिटेल से पढ़ ही लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। डायमंड ए लिटिल पेट डॉग, वो क्या था, उन्होंने एक लिटिल पेट डॉग को, जिनका नाम डायमंड था, वो रखते थे, और काफ़ी वो उसके करीबी थे, काफ़ी घनिष्ठ थे। ठीक है, मतलब अच्छा, एक साथ रहना, उठना बैठना घर में, जैसे एक पेट डॉग है, आप लोग के घर में भी आप लोग पेट डॉग वगैरह यूज़ करते होंगे, तो सेम उसी प्रकार से आप लोग समझ लीजिए। तो न्यूटन महोदय क्या कर रहे थे, किसी विषय पर, आप लोग तो जान रहे हैं, वो माने रात दिन 24 आवर्स जो साइंटिस्ट लोग हमारे हैं, या उस प्रकार से जो जितने भी इन्वेंटर हैं, उस प्रकार से आविष्कारक हैं, रात दिन देखिएगा वे लोग लगे रहते हैं किसी थ्योरीज पर, किसी रिसर्च पर, किसी खोज पर, किसी टॉपिक पर, किसी विषय पर। ठीक है, किसी विषय के अध्ययन पर, हर चीज़ पर मतलब ये लोग लगे हुए रहते हैं, और मतलब ना सोने का समय, ना खाने का समय, उन्हें दिन और रात का समय का पता ही नहीं चलता। ये लोग इतने मतलब उसमें मशगूल रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं इन द सेंस। ठीक है, इतना हम लोग अपने एग्जामिनेशन आवर्स में भी नहीं रहते, अपने एग्जाम टाइम में भी हम लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी हम लोग देखिएगा इधर उधर इसको उसको देखते चलते हैं कि कौन लिख रहा है, कौन हमसे आगे बढ़ रहा है, इस प्रकार। वहाँ 3 घंटे का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी हमें समय मिल जाता है, लेकिन ये न्यूटन महोदय सब मतलब इस प्रकार के जो शख्स हैं, इन्हें ना खाने का, ना सोने का, मतलब पता ही नहीं चलता है कि क्या गतिविधियां बाहर चल रही हैं। ठीक है, इन्हें एहसास कराया जाता है, इन्हें याद दिलाया जाता है। तो लगभग 20 वर्षों से ये किसी शोध पर, मैंने किसी रिसर्च पर कार्य कर रहे थे। ठीक है, कितने वर्षों से, ये जो हीप्स ऑफ पेपर है, ठीक है, और मेज पर रखते थे, जैसे कुछ काम उन्होंने किया उसको मेज पर रख दिया, फिर कुछ काम, कुछ एक पेपर लिखा, मतलब वो थोड़े से आगे बढ़े, फिर उसको टेबल पर रख दिया, मतलब एक पूरा मतलब उतना सजाने का, जैसे हम लोग रैक उक सजा के रखते हैं, वैसा सजाने का भी इन लोगों को फुर्सत नहीं रहता है। तो इस तरह से पूरा मतलब उनका जो 20 साल की मेहनत थी वो पूरा क्या बन गया था, हीप्स ऑफ पेपर ऑन द टेबल, मतलब उनके टेबल में एक जमा हो गया था थोक के भाव में, जैसे हम लोग न्यूज़पेपर पढ़े रख दिए और डेली का जमा होकर मेरे पास इतना पूरा एकदम कंपाइल हो गया। सेम उसी प्रकार से पेपर ऊपर पूरा रखा हुआ था, फाइल उल टाइप का, और लगभग कितने साल की मेहनत थी उसमें, आउटकम था, रिजल्ट था, एक तरह से समझिए तो 20 ईयर्स। ये जो पेपर की हम लोग बात कर रहे हैं, लगभग जो है वो आपका 20 ईयर्स का उनका मेहनत का था, 20 साल का मेहनत। ठीक है, 20 साल की मेहनत, एंड साथ ही साथ क्या होता है, अचानक जो है उन्हें किसी कारणवश कमरे से बाहर निकलना पड़ता है। वो कुछ कर रहे थे, अपना लिख रुक रहे थे उसी जगह पर, उसी टेबल पर,
किसी कार्य से उन्हें बाहर निकलना पड़ता है, या मान लीजिए कोई दोस्त आ गया, कोई फ्रेंड आ गया, उनसे मिलने चले गए, दरवाजे से बाहर चले गए, ठीक है। तो उस दौरान क्या था, ये जब कार्य कर रहे थे तो वहीं पर इनका जो ये लिटिल डॉग, पेट डॉग डायमंड था, ये भी बेचारा चुपचाप वहीं पर लेटा हुआ था। लेकिन जैसे ही धड़ाम से दरवाजा बंद करके हमारे न्यूटन सर बाहर चले गए, तो वैसे ही क्या होता है, ये डायमंड की मतलब नींद खुल जाती है, जग जाता है और अचानक से देखता है अपने बॉस को नहीं पाता है अपने घर में। तो ये क्या करता है, उसी टेबल पर चढ़ जाता है जहाँ पर ये 20 साल की मेहनत के पेपर्स और फाइल्स या जो भी चीज़ थे, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, वो सारा वहाँ चढ़ जाता है और सारा को एकदम छितिर बितिर कर देता है। तो कमरे में रोशनी के लिए न्यूटन महोदय ने क्या किया था, लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल, उसी टेबल पर एक जो है आपका कैंडल आप बोल सकते हो, ठीक है, एक कैंडल जो है वो माने जल रहा था, एक लाइट लैम्प, ठीक है, उस टेबल पर, उस माने जहाँ पर वे लिख रहे थे उस जगह पर रोशनी करने के लिए कैंडल था। तो इस कुत्ते की हड़बड़ी में ये जो डॉगी डायमंड उछल कूद करने लगा उस मेज पर, तो उससे क्या होता है कि वो कैंडल पेपर के ऊपर गिर जाता है और सारा ऑयल पूरा बिखर जाता है और सारे पेपर्स जो हैं वो पूरे एकदम जल के राख हो जाते हैं, जल के एकदम स्वाहा हो जाते हैं, सब एकदम खत्म हो जाते हैं, ठीक है। वही चीज़ है, डायमंड जम्प्ड ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर कूदा फानी करने लगा, मालिक को नहीं पाया, तो जानते हो मालिक को नहीं पाने के बाद वो खुद ही बॉस बन गया, और इस प्रकार से उछल कूद करने लगा और सारा चीज़ कर लिया, एंड पेपर्स कॉट फायर, और सारे जो पेपर्स थे उनमें आग लग गई, ठीक है, सारे पेपर्स आग ले। उसके बाद न्यूटन महोदय जो है अपने फ्रेंड से मिल के, या जो भी कार्य था अपना जिस कार्य से वो बाहर गए थे, उसके बाद वे जब रिटर्न आते हैं तो भी क्या देखते हैं कि वो जिनका मैंने उतना सारा जो पेपर्स था, उनका डॉक्यूमेंटेशन था, वो सारा एकदम बर्बाद हो गया, सारा एकदम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो सोचिए आप लोग क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा यदि आप लोग के साथ ऐसा हो, ठीक है। हम लोग के साथ ऐसा होता है तो देखिएगा, 1 या 2 दिन की हमारी जो मेहनत है, मान लो मैंने कोई ड्राइंग बनाया है, उस पर कुछ चाय गिर गया या कॉफ़ी गिर गई, तो देखोगे मम्मी को या जिसने भी गिराया उसको एकदम मतलब जब तक उसको मारेंगे पीटेंगे नहीं तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। कुछ भी वैसा हो जाए, मान लीजिए हमारा नोट्स ही है जो हमने 1 साल से बना के रखा हुआ है, वो नोट्स किसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से, मान लीजिए छोटा भाई खेल उड़ रहा होगा, वहीं पर लैंप था और आग लग गई और वो सारा नोट्स जलकर स्वाहा हो गया, तो बिना मारे छोटा भाई को तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, या जो भी हो ऐसा करके। और रही बात डॉगी की, डॉगी भी यदि हो, मेरा पेट डॉग होता या किसी का भी ऐसा होता, तो एक ना एक बार तो वो उस डॉगी को जरूर पीटता, और हो सके वो आग बबूला होकर उस कुत्ते को मार भी सकता था, उस डॉगी को मार भी सकता था। इवन यदि कैसा आदमी रहे, उतना गुस्से वाला आदमी रहे, तो अपने कुत्ते को क्या, आस पड़ोस के जितने कुत्ते थे सबको मार के वो भगा देगा, सबको मार के वो साफ कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसके मन में ये धारणा बैठ जाएगी कि ये कुत्ते लोग मतलब कुछ भी काम सही नहीं करने दे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जो है 1 या 2 दिन या महीने या हफ्तों, ठीक है, की बात नहीं थी, 20 ईयर्स, 20 साल की मेहनत थी, ठीक है। ऐसे ही कोई साइंटिस्ट या जो पूरा विश्व आज न्यूटन का नाम ले रहा है, मुझे और आपको कोई नहीं जानता है, ठीक है, लेकिन न्यूटन को पूरा विश्व जानता है, तो क्यों जानता है, ठीक है। 20 साल से सोचो वो किसी चीज़ पर लगे हुए थे, कोई रिसर्च कर रहे थे, कोई खोज कर रहे थे, कोई विषय पर अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। ऐसे ही कुछ नहीं मिल जाता हमें, तो बना बनाया मिल गया, हाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये लॉ में ये बोलता है, ऐसा करके हमने रटा रटाया मिल गया। लेकिन ऐसा न्यूटन महोदय, मतलब ये जो बड़े लोग होते हैं, साइंटिस्ट लोग या इस प्रकार से सोच रखने वाले, इनकी कुछ अलग ही बात होती है। तो इस प्रकार से सारा उनका खत्म हो गया। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा उनका रिएक्शन, ठीक है, क्या रिएक्शन, न्यूटन पेटेड द डॉग, न्यूटन महोदय आए, अपने डॉगी को बुलाया और उसके बाद उन्हें प्रेम से ऐसे ऐसे करके सहलाए, थपथपी दे रहे हैं, ठीक है, और प्यार से बोलते हैं कि डायमंड, ओ डायमंड, तुम्हें पता है तुमने क्या गलती की है, ठीक है, तुम्हें पता है तुमने कितनी भारी गलती की है। उन्हें काफी दुख हो रहा है, मन में बहुत मैंने गहरा चोट पहुंचा है, 20 साल की मेहनत उनकी खत्म हो गई, ठीक है। मैंने बताया ना कैसा आदमी होता तो सीधे कुत्ते को वहीं खत्म कर देता, अपने भले वो कितना पेट डॉग हो, कितना भी पालतू हो, कितना भी प्यारा हो, ठीक है, आदमी का गुस्सा ऐसा है। तो लेकिन वो मैंने क्या बोले, अरे ये डायमंड तुम्हें पता है तुमने क्या गलती की, ऐसा करके उन्हें थपथपाने लगते हैं। और इतना ही नहीं, इतना करने के बाद फिर से वो अपने कार्य पर लग जाते हैं, जो 20 साल की मेहनत उन्होंने उनकी खत्म हो गई, ठीक है, जिनका आउटकम आने वाला था, उस कार्य पर वो फिर से उस टॉपिक पर लग जाते हैं।
ठीक है, ऐसे ही कोई न्यूटन नहीं बन जाता है बाबू। ठीक है, तो इस कहानी से हमने क्या मोरल सीखा? पेशेंस इज द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर के लिए, ठीक है, जो पेशेंस है, जो धैर्य शक्ति है, जो सहन शक्ति है, वो उसकी ताकत है, वो उसकी स्ट्रेंथ है। आज हम लोग शायद इस न्यूटन महोदय में यदि इस प्रकार का पेशेंस नहीं होता तो शायद आज हम लोग न्यूटन महोदय को नहीं जान रहे होते। सो लर्नर्स, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और मैं चाहूँगा इसी प्रकार के और भी नॉलेजेबल चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आऊँ। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल, और मैसेज जो है, कमेंट जो है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।